हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे जो ICSE 2018 में आ रखा था, ओवरलोडिंग से रिलेटेड है, मेथड ओवरलोडिंग से। तो इसको करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो चलो इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है, डिज़ाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ मेथड वॉल्यूम एज फॉलोज। एक क्लास बनानी है और एक मेथड है जिसका नाम है वॉल्यूम, उसको ओवरलोड करना है। पहला पॉइंट है, डबल वॉल्यूम डबल आर विद रेडियस आर एज एन आर्ग्यूमेंट रिटर्न द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यूजिंग द फॉर्मूला। तो पहला वाला स्फीयर की रिटर्न करेगा वॉल्यूम निकाल करके, ठीक है। दूसरा वाला है, इसमें हाइट एच है और रेडियस आर दे रखा है, रिटर्न द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल के देगा। तीसरा वाला है, तीसरा वाला किसकी निकालेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यूजिंग द फॉर्मूला। तुम्हें फॉर्मूला भी बता रखा है, तो तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूले। अगर तुम्हें याद नहीं होते, तुम्हें बस ये समझना है कि तुम कोड कैसे बनाओगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। तो चलो उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, हमें यहाँ पर प्रोग्राम बनाना है तो एक क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्लास बना देता हूँ, तो मैं जो नाम अच्छा लगे वो लिख देना। मैं टेस्ट लिख देता हूँ, क्लास टेस्ट नाम की क्लास बना दी। अब उसमें बोला है, ओवरलोड करना है मेथड वॉल्यूम एज फॉलोज। तो तुम्हें यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस जो मेथड बोले ओवरलोड करने को उनको बना दो छुट्टी। तुम्हें सब कर पूरा प्रॉपर कोड बनाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तुम्हें बस तीनों मेथड दिखाने बना करके इसमें। तो पहला मेथड बोला था डबल वॉल्यूम डबल आर, ठीक है। तो क्लास बना दी हमने, उसके बाद जो पहला मेथड है वो बनाएंगे। तो पहला मेथड है जो, वो क्या फाइंड करता है, रिटर्न द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। स्फेयर की वॉल्यूम निकालता है। तो पहले मेथड की डेफिनेशन लिख देते हैं, डबल आगे क्या बोला है उसका नाम, वॉल्यूम। तो डबल वॉल्यूम, अब जो इसका पैरामीटर है एक बता रखा हमें डबल आर, एक डबल टाइप का लेगा वो, ठीक है, डबल टाइप का लेगा। चलो ठीक है, हमने बना दिया। अब बोला है रेडियस आर एज एन आर्ग्यूमेंट रिटर्न द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यूजिंग द फॉर्मूला। तो देखो, जो रेडियस आर है वो यहाँ से इनपुट में यूज़र दे देगा, जैसे मैंने ऊपर तुम्हें बताया था ना, जैसे यहाँ पर जब कॉल करा था ये ऑब्जेक्ट ने, तो यहाँ पर वैल्यू हम दे रहे थे, जैसे 5 दे रहे थे तो ये वाला कॉल हो रहा था। तो उस तरीके से जब यहाँ पर वैल्यू है, जो यूज़र देगा, जो भी देगा, 5 है, जो उसकी मर्जी की, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी और तब इसका जो नीचे का कोड है वो चल जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? तो इसके नीचे का कोड देखते हैं वो क्या होगा। तो यहाँ पर बोला है क्या करेगा, रिटर्न करेगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यूजिंग द फॉर्मूला, और एक फार्मूला हमें दे रखा। अब इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए हमें एक वेरिएबल तो बनाना पड़ेगा जिसमें इसकी वॉल्यूम स्टोर करेंगे, है ना। एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो वेरिएबल बनाने के लिए डबल टाइप का वेरिएबल बनाया, वी नाम का दे रखा वहाँ पर, वो फार्मूला जो बता रखा वी इक्वल टू ये। तो वी नाम का वेरिएबल बना दिया, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में वहाँ दे ही रखा है जो फार्मूला है वहाँ पर, कि वी इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब। तो वी इक्वल टू, अब यहाँ पर 4/3 कैसे लिखे हैं, तो देखो ऐसे लिखना, जब कोड लिखोगे ना, 4/3 ये हो गया, 4/3, फिर क्या है, इंटू 22/7। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लो, जो 4/3 मैंने करा है ना, यहाँ पर 4.0/3 करना तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों, वो भी समझ लो। अगर हम 4/3 करते हैं, मतलब 4 को 3 से डिवाइड करो, तो आंसर जो मेरा आएगा वो आएगा 3×1=3। बस पॉइंट के बाद वाला हटा देता है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू भी इंटीजर है, नीचे वाली भी इंटीजर है, तो ऐसे में जो डिवीजन होता है वो इंटीजर डिवीजन होता है, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हट जाती है। लेकिन अगर मैंने 4.0/3 करा तो इसको ये पूरा निकालेगा, 3×3 पॉइंट, फिर उसके बाद ये 10 हुआ, 3×3=9, फिर से क्या हुआ, 10 हुआ, 3×3, तो चलता जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो इसमें ये है कि भाई पीछे की वैल्यू है वो हमारी बर्बाद नहीं होंगी, आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो 4.0/3, फिर 4/3, फिर क्या था, इंटू, फिर था 22/7। तो उसको ब्रैकेट में रख देते हैं, 22/7, ताकि हमारा जो सही तरीके से हो, ये है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा, ताकि मतलब कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। जैसे बॉर्डमास करते हैं ना, तो भी पहले ये सॉल्व हो जाएगा, फिर ये भी सॉल्व हो जाएगा, फिर बाद में उनकी इंटू हो जाएगी आपस में इस तरीके से। फिर इंटू बोला है आर का क्यूब, आर का क्यूब मतलब रेडियस का क्यूब। तो इसको करने के दो तरीके हैं, देखो एक तो ये है, आर इंटू आर कर लो, ठीक है, ये भी ठीक है। और एक तरीका है, मैथ जो हमारी क्लास होती है उसका एक पावर निकालने के लिए फंक्शन है POW, या तो उसका यूज़ कर लो। तो देखो, तुम्हें अगर याद नहीं है मैथ वाली क्लास के कुछ जो कॉमन से वो होते हैं फंक्शन, जो उसके कुछ कॉमन से मेथड हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन जिसको आता है तो वो भी देख लो, यह पता होना चाहिए, क्योंकि एक दो मार्क्स में भी उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक और तरीका ये है, तुम यहाँ पर इंटू करके मैथ
डॉट पाव POW ये है वो। अब ये कैसे निकालता है पावर, देखो इसमें जिसकी तुम्हें पावर निकालनी है पहले उसको लिखो, और उसकी कितनी पावर मतलब आर का क्यूब कर रहे थे ना तो 3, तो ऐसे लिखो ठीक है। और फिर इसको यहाँ पर हमने कर दिया बंद ठीक है। तो एक तरीका वो था आर इंटू आर, 3 बार आर को इंटू कर लो। एक तरीका ये है कि आर कॉमा 3 कर लो, उसका मतलब यही होता है कि आर का हम क्यूब कर रहे हैं, जो उसकी पावर है उसको बाद में लिखते हैं, पहले जिसकी पावर करनी, जिसकी पावर हमें पता करनी है उससे पहले लिखते हैं। ये करने के बाद इसकी जो वॉल्यूम आएगी वो वी में आएगी। इसे आखिरी में रिटर्न भी तो करेंगे, रिटर्न वी, क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया कि रिटर्न करनी है वॉल्यूम, और यहाँ पर इसका डेटा टाइप डबल है, तो जो वैल्यू रिटर्न होगी देख लो इसका भी डेटा टाइप डबल है। आ रही बात समझ में? तो ये है पहला मेथड। दूसरा इसमें बनाना है डबल वॉल्यूम, जो किसकी वॉल्यूम फाइंड करेगा, जो फाइंड करेगा सिलेंडर की वॉल्यूम ठीक है ना, उसका भी फॉर्मूला हमें दे रखा है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ देख लो, यार 22/7 दिया था तुम्हें यहाँ पर ठीक है ना। यहाँ पर अब एक बात याद रखना, 22/7 दिया है तो यहाँ पर भी अगर 22.0 करें तो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा हमारा। 22.0 करें तो यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन होगा, मतलब वो पॉइंट के बाद भी काटेगा, उसको पॉइंट में वैल्यू निकालेगा। अगर खाली 22/7 करता तो वही दिक्कत होती है जो पहले वाले में हो रही थी। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, तो आंसर इसका आ जाता 3, वो पॉइंट के बाद में निकालता। आ रही ना बात समझ में? तो हमारा काफ़ी आंसर यहाँ पर हमारी जो मतलब एक्यूरेसी कम हो जाती है आंसर की, तो इसलिए 0.0 लगाओगे तो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। यह है बस अंतर। अब अगला वाला देखते हैं, डबल वॉल्यूम जो सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने के लिए हम बनाएंगे। तो बनाया डबल वॉल्यूम। अब इसके जो पैरामीटर हैं वो दो दे रखे हैं, डबल एच और डबल आर ठीक है ना, डबल एच और डबल आर, ये दो हैं। दो लेगा और उसके बाद वो हमारी क्या निकालेगा, वॉल्यूम निकालेगा सिलेंडर की। ये दो क्यों? एच किस लिए? हाइट के लिए, और आर रेडियस के लिए, क्योंकि हमें सिलेंडर की जब वॉल्यूम निकालनी होती है तो रेडियस और हाइट दोनों पता होने चाहिए, जबकि उससे ऊपर हमने स्फेयर की निकाली थी तो बस वहाँ पर रेडियस पता होना चाहिए, बाकी दोनों चीज़ें हमें पता ही रहती हैं, पाई की वैल्यू और 4/3 वो तो कॉन्स्टेंट है ही। तो चलो यहाँ पर अब निकालते हैं इसका कोड क्या होगा। वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम डबल टाइप की होगी, डबल वी इक्वल टू, फॉर्मूला हमें दे रखा था 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट ठीक है। तो 22/7 करेंगे तो 22.0/7 करना, ये तो पता चल गया है, इंटू क्या है अगला, इंटू है रेडियस का स्क्वायर। तो दो तरीके हैं, एक तो वो मैथ डॉट पाओ करके कर लो, ऐसे मैथ डॉट पाओ क्या रेडियस का स्क्वायर है, तो पहले रेडियस कॉमा 2, रेडियस आर में आ रखा होगा तो आर कॉमा 2 क्या मतलब उसकी पावर है 2, तो एक तरीका ये है करने का। और इंटू 3 हाइट, तो हाइट एच में है तो एच लिख दिया। और इसको करने का एक और तरीका क्या हो सकता था, तुम मैथ डॉट पाओ आर कॉमा 2 की जगह क्या लिख दो, आर इंटू आर, लेकिन ये वाला यूज़ करना ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है मैथ क्लास ना, तो उसका अगर तुम मेथड का यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें क्योंकि वैसे गलत तो ये भी नहीं है पर वो ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए ये कुछ एक दो मेथड पढ़ लो मैथ क्लास के ठीक है ना। अब ये दो निकालने के बाद एक तीसरा मेथड और बनेगा, सेम नाम का है लेकिन वो क्या काम करेगा, वो वॉल्यूम निकालेगा किसकी, यहाँ पर रिटर्न कर लेंगे भाई, रिटर्न कर दिया वी को ठीक है। वॉल्यूम जो आएगी फाइनल वो वी में आएगी, उसे रिटर्न भी तो करना है, इसलिए रिटर्न कर दिया वी को। और इसका डेटा टाइप जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है वी, और जो इसका रिटर्न टाइप है दोनों सेम है, डबल है ठीक है ना, वो सेम होने चाहिए। हम डबल तीसरा वाला बनेगा, डबल वॉल्यूम किसकी वॉल्यूम निकालेंगे अब, जिसकी वाली वॉल्यूम जो निकलेगी वो क्यूबॉइड की निकलेगी। तो क्यूबॉइड के निकालने के लिए देखो हमें जो क्वेश्चन है उसी में दे रखा था, डबल एल डबल बी डबल एच, लेंथ ब्रेथ और हाइट ठीक है। डबल एल डबल बी और डबल एच, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब ये जो तीसरा है इसका जो फॉर्मूला है, देखो सब कुछ तो क्वेश्चन में ही देगा, मैं बस तुम्हें बस पता होना चाहिए कि किस तरीके से को इसका कोड लिखते हैं, आगे तो कुछ इसमें करने का है ही नहीं है ना। अब देखो इसकी वॉल्यूम जो निकालनी है, वॉल्यूम निकालने के लिए वेरिएबल बना दिया वी नाम का इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। बाद जो वॉल्यूम आएगी वी में उसे रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न वी छुट्टी, रिटर्न कर दी वॉल्यूम। हम इसके बाद ये फाइनल हमारी जो क्लास है उसे भी नीचे क्लोज कर देंगे ठीक है। ये वाला मेथड जो ये था ये यहाँ क्लोज हो गया है, उसके बाद ये वाला मेथड ये ऊपर यहाँ क्लोज हो रखा है।
ये वाला मेथड यहाँ पर उधर है, जो क्लास है वो यहाँ पर उधर हुई है, बन गया हमारा पूरा कोड। ठीक है, ये वाला क्या करेगा, वॉल्यूम रिटर्न कर देगा किसकी, जो तुम्हारा क्यूबॉइड है उसकी। तो यहाँ पर ध्यान दो, जो पहला वॉल्यूम वाला मेथड है ये, इसमें जो देखो यहाँ पर ये है पैरामीटर या इसके आर्ग्यूमेंट, या एक है या दो है या तीन है। ठीक है ना, यहाँ देखो एक है या अंदर दो है और यहाँ पर तीन है। और मैंने तुम्हें अभी ऊपर बताया था जो हमारे पैरामीटर होते हैं मेथड ओवरलोडिंग के लिए, या तो उनका नंबर अलग होना चाहिए या उनका टाइप अलग होना चाहिए। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है जो हमने अभी क्वेश्चन करा, इसमें इसका नंबर अलग था, या एक था पैरामीटर, नीचे दो आ रहे थे, फिर अगले वाले में तीन आ रहे थे। ठीक है, तो अब एक ऐसा क्वेश्चन भी लेके आऊँगा प्रीवियस ईयर का, 2014 में आ रखा है वो क्वेश्चन, जिसमें तुम्हारे टाइप अलग है पैरामीटर के, उसमें देखेंगे कि ओवरलोडिंग किस तरीके से करेंगे। तो इसको अगर कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लो, ये इसका कोड है पूरा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। फिर भी डाउट अगर रहता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।